वेलकम माय डियर 8th क्लास स्टूडेंट्स, बहुत स्वागत है तुहाडा मेरे चैनल लेट्स लर्न विद ईजी ट्रिक्स से। बेटा इस वीडियो दे विच आपां तुहाडी एक्सरसाइज 6.4 इसनू कवर करांगे। इहदे विच पहला सम देखो बेटा, क्यूब ऑफ ए नंबर इज 64, फाइंड द नंबर। किसे संख्या का घन किन्ना बच्चे 64, तो वह संख्या आपां पता करनी है। तो सब तो पहला आपां लिखांगे क्यूब ऑफ ए नंबर, कितना दिता होया आपां नूं 64। ठीक है, हुण आपां इसनूं हल करना शुरू करते हैं। इहदे विच पहलां आपां नूं पंजाबी च वी चलो लिख लैंदे आ संख्या दा घन। ठीक है, तो हुण घन दिता होया आपां नूं आपां कढ़ना वी 64 उह कीहड़ी संख्या नूं 3 वार गुणा करे ते बणिआ। तो बेटा सिंपली आपां इस 64 दा घन मूल कढ़ना है। तो प्रश्न आपां नूं की कहना चाहुंदा है कि 64 का घन मूल यानी कि क्यूब रूट पता करो। ठीक है, तो क्यूब रूट सानू कढ़ना आउंदा, किदा सॉल्व करांगे आपां इसनू 64 दे प्राइम फैक्टर्स बना के। 64 यानी कि 64 दे आपां अपाज टोटे बनावांगे। तो देखो दो दो दे पहाड़े ते जाई जाऊगा, किन्नी वारी दो आ जाएगा अपने कोले 6 वारी। तो आपां 3-3 दे त्रिगुट बना ले, तो 64 का घन मूल किवें लिखते होंने आपां, त्रिगुट का एक अक्षर लिखते होंने, त्रिगुट का आपां एक डिजिट लिखते होंने। तो इत्थे आपां घन मूल नहीं सी लिखना, इत्थे आपां लिखना है इहदे अपाज गुणनखंड। सब तो पहला आपां अपाज गुणनखंड लिखे ने, हुण घन मूल कढ़ांगे। ठीक है, घन मूल तो इहदे विच आपां 3-3 दे त्रिगुट बनाए तो उन्हां दा एक एक डिजिट लिखता, तो किन्ना आंसर आ गया 4। बहुत ईजी सीगा, घन मूल कढ़ना आपां ते घन मूल कढ़ के लिख देना। ठीक है बेटा, समझ आ गया। नैक्सट सम करते हैं, दूजे सम दे विच भी आपां नूं सेम इसे तरह क्यूब ऑफ ए नंबर दिता होया 3375, तो आपां उह संख्या पता करनी है। तो लिखना शुरू करते हैं, संख्या का घन कितना दिता होया 3375। तो हुण आपां इसका की कढ़ना चाहुंदे हां जी, घन मूल क्यूब रूट। ठीक है, तो क्यूब रूट लई की करना है, आपां ने इसके प्राइम फैक्टर्स बनाने ने, आपां आज गुणनखंड बनाने हैं। तो पिछला जिहड़ा अंक है वह 5 है, तो 5 के पहाड़े पर ही जाऊगा। जे तुहानूं लगता है भी डिवाइड वड्डी है, तुसीं मुझबानी नहीं कर सकते है ना, तो तुसीं इसनूं साइड ते रफ वाले पासे डिवाइड करके देख लो। ठीक, जिथे तुहानूं लगेगा मुझबानी कर सकते हो उदों मुझबानी कर लो। ठीक है जी, हुण देखो 3 ते गया, सौखा ही सीगा, ये डिवाइड तो ईजी सी, सिर्फ पहली डिवाइड तो हो सकता है तुसीं अटको। तो एक तो 5 का त्रिगुट बन गया, एक 3 का। तो आप हुण इसका घन मूल लिख देंगे, पहला आप अपाज गुणनखंड लिखते हैं, 3 वारी 5 3 वारी 3 त्रिगुट बनावांगे, तो अपा जिहड़ा घन मूल है वह कढ़ देंगे। एक बारी बेटा देखो इहदा 5 दे त्रिगुट दे विच्चों 5 लिखांगे, 1 वारी 3 तो 5 3 15, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा जी 15। ठीक है जी, ये सवाल समझ आ गया तुहानू। ठीक है, इहदा स्क्रीनशॉट लै लो, फिर आपां हुण अगला सम शुरू करते हैं। अगले सम दे विच देखो की है, अपाज गुणनखंड विधि राही हेठां दित्तियां संख्यावां दा घन मूल पता करो। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबरस बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। इहदे विच बेटा आपां की करना है, जिहड़े जिहड़े आपां नूं इह 3 ते 3 6 क्वेश्चन दिते ने, प्राइम फैक्टर्स बनावांगे, प्राइम फैक्टर्स बना के त्रिगुट बनावांगे ते घन मूल कढ़ी जावांगे। सौखी ने, ज़्यादा औखे नहीं है, सिर्फ सानूं डिवाइड की प्रैक्टिस होनी चाहिए है। देखो पहला क्वेश्चन, रकम हैगी है जी 5832, तो यूनिट डिजिट हैगा अपने कोले 2, तो यह जिस्त है 2 दे पहाड़े ते ही जाऊगा। डिवाइड करांगे बेटा हुण इहनूं, ठीक है, जब तक इहदा जिहड़ा यूनिट डिजिट है इकाई का अंक है वह 2 दे पहाड़े ते जाण वाला जिस्त रहूगा, तो उदों तक आपां उसनूं
दो दे नाल डिवाइड करते रहांगे। चार ते गया अठ, फिर पांच ते दस, फिर अठ ते सोलह, फिर दो ते जाऊगा 729। हुण देखो पिछे आ गया 9, तो दो ते तां जाना नहीं, हुण इहदे डिजिट्स नूं जोड़ो, 7 ते 2 9, 9 ते 9 18, तां इह 3 दे पहाड़े ते जाऊगा। ठीक है, 3 नाल डिवाइड कर लिया 243, फिर 3 दे पहाड़े ते जाऊगा 81, हुण 3 ते जाई जाऊगा। ठीक है, देखो 3 ते गया 9, फिर 3 ते गया 3, त्रिगुट बन गए सारे। तो अभाज गुणन खंड आप लिख के त्रिगुट बना के उसका क्यूब रूट लिख देंगे। ठीक है, मेन काम लिखन का ही होंगे भी तुसी अपने सामनों किवें एक्सप्रैस करते हो। चलो फिर लिखते हैं यदा आंसर, आप 5832 दे अभाज गुणन खंड प्राइम फैक्टर्स की ने, सारे दे सारे अभाज टोटे लिख लेने ने। 3 वारी 2 है, फिर 6 वारी 3 है। हुण आपां इहनां दे त्रिगुट बना लवांगे, फिर लिख देवांगे इसका घनमूल। घनमूल किन्ना आ जाएगा, देखो सारे ट्रिपलेट्स का सारे त्रिगुटां का आपां एक एक डिजिट चक लैणा। ये आजूगा 2 × 3 × 3, 3 × 2 = 6 ते 6 × 3 = 18, तो इसका आंसर किन्ना आ जाएगा बेटा जी 18। ठीक है, समझ आ गया बच्चे। ये सैकेंड सम वल चलते हैं, आपां इहनूं नाल दी नाल खुद भी सॉल्व करके देखियो। ठीक है, देखो नैक्सट सम पिछे 0 है, तो इहनूं 5 दे टेबल ते आपां डिवाइड करना शुरू करांगे, क्योंकि वड्डी लगदी आपां नूं रकम, तो साइड ते रफ च आपां डिवाइड करांगे। 5 × 4 = 20, 1 बचिया 6 तार लिया, 5 × 3 = 15, फिर 1 कट के आ गया, उपरों 0 तार ली, 5 × 2 = 10। हुण देखो पिछे बच गई अपने कोल 2 ज़ीरोआं, 2 ज़ीरोआं तारांगे, 2 स्टैप्स बणनगे, तां उह ना जाण दीआं ज़ीरोआं पै जाणगीआं, तां अपने कोल आ गया 43,200। हले भी पिछे 0 है, 5 ते ही जाऊगा। हुण आपां ओरली भी कर सकदे हां, 8 × 5 = 40, 6 × 5 = 30, 5 × 4 = 20, नाल 1 ज़ीरो, फिर 5 ते जाएगा, 1 × 5 = 50, फिर आ गया 36, 7 × 5 = 35। ठीक है, फिर बच गया 14, 5 × 2 = 10, 40 बच गया, 8 × 5 = 40। हुण पिछे आ गया बेटा अपने कोले जिस्त अंक, 2 दे पहाड़े ते चला जाऊगा। हुण 2 ते डिवाइड करी चलो, दो सौ 16 नूं जदों 2 नाल डिवाइड करोंगे तां उहदा खास ध्यान रखियो, क्योंकि आपां इहदे विच गलती कर जांदे आ। देखो 2 × 1 = 2, उपरों तारिया 1, तो कई बार की करते आपां 6 नाल ही लिख लैंदे आ। नहीं बेटा, आपां एक टाइम ते 2 अक्षर नहीं तार सकते, क्योंकि देखो जे लावांगे तां 18 × 2 = 36, 36 216 दे बराबर तां नहीं हैगा, इहदा मतलब आपां डिवाइड गलत कीती है। तो इहदे विच की करना है, पहलां एक अक्खर ही तारना है। ठीक है, जिवें 1 उतारांगे तां फिर ओह 2 दे टेबल ते जाऊगा नहीं, आपां 2 दा टेबल पढ़ांगे कित्थे तक, 0 तक, 2 ज़ीरोज़ आर ज़ीरो, फिर 1 बचूगा घटाओ करके, उपरों आपां तार लांगे 6, हुणे जाऊगा 8 ते। ठीक है, हुण 108 नूं 2 नाल गुणा करोंगे तां 216 ही बणूगा। तां इदां बेटे जिहड़े डिवाइड दे विच डाउट होवे चैक जरूर करिया करो। हुण 3 ते जाएगा बच्चे, इह डिवाइड काफ़ी लंबी होई जांदी है प्राइम फैक्टर्स इस दे, 3 ते गया, लो जी फिनिश हो गया। हुण देखदे आपां किन्ने त्रिगुट बण गए, पहला स्क्रीन क्लीयर कर लिए। हाँ जी देखो बेटा, 1 5 का त्रिगुट बनया, 2 जड़े ने 2 2 दे बने हैं, तो 1 3 का। तो आप हुण इन्ने सारे प्राइम फैक्टर्स नहीं लिखांगे, आपां सीधा ही इसका घनमूल लिख दें, क्योंकि आप त्रिगुट तो इधर ही बना ले। ठीक है, क्योंकि आप जिथे अभाज टोटे बनाए उत्थे त्रिगुट दिखाते, तो की आ गया घनमूल, 5 × 2 × 2 × 3, 3 × 2 = 6, 6 × 10 ना गुणा करांगे 60। इहदा आंसर आ जाएगा बेटा जी 60, तो 60 नूं 3 वार गुणा करके रकम बनी सी। ओके बेटा, समझ आ गया, नैक्सट सम ते चलते हाँ। नैक्सट सम की रकम देखो, काफ़ी लंबी लग रही है, किहड़े टेबल ते जा रहा है,
पाँच ते चार नौ ते छे पंद्रह ते पाँच भी ते तीन 23 ते तीन 26 तीन दे भाड़े ते तां इह आउंदा नहीं। ठीक है तां आपां हुण चैक करदे हां किहड़े टेबल ते इह जा सकदा। दो दे टेबल ते भी इहने आउणा नहीं, तीन दे टेबल ते आपां चैक कर लिया, पाँच दे टेबल ते भी नहीं आऊगा। हुण आपां उस तों नैक्सट आपां अज सत्त नाल डिवाइड करके इहनूं चैक करदे हां भी की इह सत्त दे टेबल ते जांदा। चलो जी डिवाइड करना शुरू करदे हां आपां। सातों छीक 42 घटा के आया तीन, उपरों उतारिया छे, किन्ने ते जाऊगा बेटा पाँच ते 35, उपरों उतार लिया पाँच, सत्त दूनी 14, एक बचिया 13 हो गया, एक तार के तीन, सत्त एकम सत्त, 13 चो सत्त गए छे, उपरों उतारिया तीन, नौ सात 63। लो जी यह सत्त दे टेबल ते पूरा पूरा कट गया, आपां आंसर लिख दिंदे आ। हुण एक बार यह सत्त ते गया सी तां नैक्सट टाइम भी सत्त ते ही जाऊगा, क्योंकि आपां घनमूल कढ़ने ने तां क्यूब्स दा आह ट्रिपलेट्स दा बणनगे ही ना। नैक्सट भी आपां सत्त नाल डिवाइड करदे हां, नौ सात 63 लग गया, देखो पाँचों तीन गए दो, उपरों उतारिया दो, हुण किन्ने ते जाऊगा तीन ते, सत्त या 21, 11, सत्त एकम सत्त, 11 चो सत्त घटाए चार, उपरों उतारिया नौ, हुण किन्ने ते जाऊगा सत्त ते, तां अपने कोल आंसर आ गया 9317। हुण इहनूं फिर सत्त ते ही डिवाइड करो, रकम छोटी रह गई, आपां ओरली ही डिवाइड करन दी कोशिश करते हां। सत्त एकम सत्त, 23 बचिया, सत्त या 21, फिर सत्त या 21, फिर एक सत्त आ सत्त, तां इह बेटा तुहानूं पता ही है 1331 किहदा क्यूब हुंदा इह, ये 11 का क्यूब होंगे, 11 से डिवाइड करांगे 121, फिर 11 से डिवाइड करांगे 11, फिर 11 से डिवाइड करांगे 1। बस हुण इसका क्यूब रूट लिख दो, आंसर तुहानूं पता लग गया ना, सत्त वाले त्रिगुट का सत्त आंसर आऊगा, 11 वाले त्रिगुट का 11, सत्त गुणा 11 इहदा आंसर 77 बनूगा। तैनूं लिख दिंदे आ बेटे हुण आपां, तां क्यूब रूट आ गया 7 × 11 मतलब 77। क्लीयर है जी, डिवाइड की प्रैक्टिस करो। नैक्सट सम ते मैं प्राइम फैक्टर्स पहले ही बना ले तुहाडे लई, ठीक है, इहनूं चैक करो, देखो, लिखो अपनी कापियां ते। त्रिगुट बना लिया आपां, हुण लिखदे आं इहनां दा क्यूब रूट। क्यूब रूट दे विच देखो 5 × 2, हाँ जी मल्टीप्लाई कर लांगे आपां इसनूं, 5 × 2 = 10, 10 × 30 ते 30 × 90, तो इसका आंसर आएगा बेटा, ठीक है जी 90, समझ आ गया। हुण आपां इस तों नैक्सट क्वेश्चन करते हैं, स्क्रीन साफ कर लिए आपां, नैक्सट की रकम लिखते हैं। फिफ्थ सम, फिफ्थ सम की रकम है बेटा देखो, ये भी वड्डी रकम है, तो इहदा जिहड़ा इकाई का अंक है वह जिस्त है, दो दे पहाड़े ते जाऊगा, चार दूनी 8, फिर दो ते गया 4, 11 बच गया, पाँच ते गया 10, फिर 18, नौ ते गया 18, फिर दो ते गया 4, हले भी जिस्त है यह संख्या, दो दे पहाड़े ते जाऊगी, डिवाइड कर लो। जे लगता हों बेटा भी डिवाइड वड्डी है तो रफ च डिवाइड करके देख लिया करो, गलत लिखन दे नाल, ठीक है, क्योंकि इस देखो तुसी गलत लिख सकते सी, आपां चैक करते हैं। हुण इत्थे एक तारिया तो पहाड़ा तो पढ़ना पौगा, दो अक्खर नहीं आपां तार सकते, ठीक है, छे नहीं सीधा लिख सकते उरे, तो इत्थे 0 नाल मल्टीप्लाई करके एक टेप जिहड़ा स्टैप है वह करना पौगा, फिर आपां फिर दो तारांगे, फिर 6 ते जाऊगा, ठीक है, तो इदां ही अपना आंसर आ जाऊगा। डिवाइड करते रहो जब तक इस दे पिछे जिस्त अंक है दो दे पहाड़े ते ही जाता रहूगा, दो दुनी 4, 6 × 12, 6 × 12, फिर दो, फिर दो ते गया 1331। लो जी हुण तां तुहानूं पता ही है भी ये 11 दा घन है, 11 दा घन है तां ये 11 ते तीन वारी जाऊगा, 11 ते गया 121 आंसर, फिर 11 ते गया 11 आंसर, फिर 11 ते गया 1। क्लीयर है जी, बस हुण आपां इसका घनमूल लिख देंगे। त्रिगुट बन रहे ने, त्रिगुट बना लो पहला,
हाँ जी, त्रिगुट बना के आपां लिख देंगे 2 × 2 × 11, 2 × 2 = 4, 4 × 11 ना गुणा किता 44, 11 × 4 = 44। तो देखो बेटा, एक क्वेश्चन अपने कोल रह गया, उसनू भी कंप्लीट कर दें। ये भी थोड़ी जी रकम वड्डी है, 6 अंकों की रकम है, पीछे हैगा ये 9, कुछ नहीं पता लग रहा किहड़े टेबल ते जाऊगा। डिजिट्स जोड़ो, 3 × 2 = 5, 8 = 13, 5 = 18, 9 = 27। हाँ जी, ये 3 दे टेबल ते जाऊगा। तो इस तो सब तो पहला आप इसनू 3 नाल डिवाइड करांगे। ठीक है जी, चेक करते हैं कि 3 नाल किन्ना आंसर आंदा डिवाइड करके। 1 3 10 उपन उतारिया 2 जाता नहीं, ना जाती 0, 8 तार लिया, 9 3 27, 1 बचिया, 5 तार लिया, 5 3 15, 0 तारी, फिर ना जाती 0, फिर आप 9 तार लिया, 3 3 9। देखो जी, 6 अंकों डिवाइड किया, 6 अंकों से ही आंसर आ गया, 1/3 हो गया, 1/3 हो गया यदा आंसर का। ठीक है, हमने फिर 3 ते ही जाऊगा, 3 का त्रिगुट तो बनूगा ना, क्योंकि आप क्यूब रूट कट रहे हैं। 3 3 9 19, 6 3 18, फिर 1 बचिया, 5 तार लिया, 15, 5 3 15, 0 3 जाऊगा 1 ते, फिर 3 ते जाना बेटा, ये डिवाइड कर लो। हाँ जी, हूँ आप देखना भी ये किहड़े टेबल ते जा सकता है, 3 का त्रिगुट 1 बन गया। इन्हां दे डिजिट्स जोड़ो, 2 ते 1, 3 ते 1, 4 ते 6 10, 7 17, तो 3 दे टेबल ते तां इह बेटा जी जाएगा नहीं। तो राजी, आपां ने हुण सारे जिहड़े अभाज नंबर ने उन्हां ते चैक करांगे, 2 ते नहीं जांदा, 3 ते नहीं जांदा, 5 ते नहीं जांदा। हुण आपां इस नूं 7 ते ट्राई करके देखते हैं वी 7 ते डिवाइड हुंदा है कि नहीं। 7 × 7 = 51, 7 × 7 = 49, 2 बचे 26, 7 3 21, 5 57, नहीं बेटा ये 7 दे टेबल ते भी नहीं जा रहा। नैक्सट अभाज ते चैक करांगे, नैक्सट अभाज केड़ा इस तो 11। ठीक है, तो यह 11 ते भी नहीं जाएगा, चैक कर लिया ना अपने, 11 ते भी नहीं जाएगा। नैक्सट ये तो अभाज हैगा अपने को 13 ते चैक करके देख लो। सब तो पहला 13 × 9 = 117, 117 आप घटावे ये आजगा 4, 6 तार लिया, 13 3 39, 46 × 39 घटावे 7। ठीक है, तो उपरों तार लाँगे आप 7, तो नहीं गया बेटा, 70 तो आता नहीं 13 दे टेबल ते। नैक्सट हैगा देखो अपने को अभाज 17, नैक्सट हैगा 19, तो ये आप चैक करते रहेंगे जिथे ये आपको लगेगा कि डिवाइड हो रहा है उसते आप इस डिवाइड कर लेंगे, तो फाइनली ये जाएगा बेटा 23 दे पहाड़े ते। ठीक है, 23 नाल डिवाइड करके देखो, इस 17 ते भी नहीं जाऊगा, 19 ते भी नहीं जाऊगा। तो 23 नूं पहला किहदे नाल मल्टीप्लाई करिए, 3 ते करके देखो, 5 ते कर रहे हैं, 5 3 15 हासिल 1, 10 1 11, तो यह सब तो पहला 5 ते गया, बचा कि 6 उपरों उतार लिया 6, तो 23 × 2 कि हों जी 46, 46 लाया, 6 × 6 = 0, 6 × 4 = 2, उपरों उतार लिया 7। हूँ जाऊगा बेटा जी 9 ते। ठीक है, 9 ते क्लीयरली यह कट्टिया गया, तो अपना आंसर कि आ गया 529, 23 ते डिवाइड किया आंसर आ गया 529। तो 529 की हुंदा बेटा जी, 23 का स्केयर हुंदा, 23 का वर्ग हुंदा, तो 23 23 23 यह जाऊगा, तो बन गया 23 का त्रिकुट, ट्रिपलेट बन गया। हुण इसका क्यूब रूट लिख दो, तो इसका घन मूल कितना होगा, क्यूब रूट कितना होगा बेटा, 1 1 लिख दो अपने त्रिकुटा के विचों, 3 × 23 गुणा कर दो, 3 3 9, 3 2 6, तो यह आंसर आ जाएगा बेटा जी 69। ठीक है राजे, यह क्वेश्चन समझ आ गए, प्रैक्टिस जरूर करियो यदि एक बार। हुण आपां इस दे MCQs भी करते हैं। पहला है, वट इज़ द क्यूब रूट ऑफ 512, 512 का घन मूल की है। याद ही रखना बेटा ये, क्योंकि 20 तक तो आपां नूं घन याद ही होने चाहिए ने। इसका सही आंसर आएगा अपने को 8। ठीक है,
दूसरा है जिवें क्योंकि देखो 8 × 8 × 8 करते हैं 512 आंसर आ जाता है। हुण जिहड़ा इसका सैकेंड क्वेश्चन है 1728 तो यह भी आपू याद होना ही चाहिए। तो यह किसका घन है 12 का, किनू 3 बार गुणा करे तो 1728 बनता है 12। ठीक है, तीजा तो आप बहुत बारी सम कर चुके, अपने सम्स के बहुत बारी आ चुके। 1331 का घन मूल कि आऊगा जी 11, कि आऊगा 11। लास्ट क्वेश्चन है, ए परफेक्ट क्यूब एंडज विद डिजिट 2, वट विल बी द वन डिजिट ऑफ इट्स क्यूब रूट। कहिंदे जे किसी पूर्ण घन का इकाई का अंक 2 है तो उसके घन मूल का इकाई का अंक की होगा। माड़ा जिहा उपर ध्यान दिओ, आपां 512 लिखिआ पूरा घन है तो उहदे पिछे 2 भी आउंदा है, तो उहदे घन मूल विच इकाई का अंक किन्ना आया 8। ठीक है, तो इसका सही आंसर किन्ना आजूगा बेटा जी 8। तो कि ऑप्शन बन जूगी डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन 8 जिहड़ा है इसका सही आंसर होएगा। ठीक है, तो यह अपनी एक्सरसाइज 6.4। ठीक है, मैं पूरी पूरी आस है बेटा राजे तुहानू यह सारा कुछ समझ आ गया होगा। आप खत्म करती, डन करती, 6th चैप्टर डन हो गया। तो हुण तुसीं की करना है, बस इसनू शेयर करना है, इसनू समझना है। ठीक है, टेक केयर बेटा, बाय बच्चे।